दोस्तों आज के इस वीडियो में आप देखेंगे हमारे 701 दिन की जर्नी का अनुभव, कैसे यहाँ के गांव होते हैं, कैसे यहाँ के लोग होते हैं। कहाँ से आया बोला? नहीं बहुत इतना दूर से आया। रुकना है, सेल्फी लेना है। क्या क्या हमने आज अनुभव किया वो सब खूबी के साथ में हाजिर आपके साथ में। यहाँ पर गांव हो या शहर हो, यहाँ पर जगह जगह पर ये बोर्ड लगा होता है कि यहाँ पर कचरा फेंकना मनाही है। ना केवल मनाही है बल्कि उसके साथ साथ भारी दंड भी देने का प्रावधान है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी साइकिल है और हम बढ़ रहे हैं भारत की यात्रा में निरंतर आगे। और ठीक इसके सामने ऐसे बहुत जगह पे है, लेकिन एक जगह पे हमने दिखाया है एग्जाम्पल के लिए, ऐसा लिखा होता है देखो, डंपिंग ऑफ गैरबेज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और इस प्रकार से पनिश्ड हो सकते हैं आप, 1500 रुपये लग सकता है आपको। और देख सकते हैं आप विलेज का नाम है, मतलब छोटा सा एक गाँव जैसा ही है, लेकिन इतना स्ट्रिक्टली इस गांव को बनाया गया है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा देश भी होना चाहिए, सब चीज़ों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। गंदगी के कारण हमारी देश की जो शोभा है वो निरंतर कम होते जा रही है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और कुछ ना कुछ अच्छा बेटर करने की कोशिश करते रहिए। हम मिलकर एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं, नया भारत, स्वस्थ भारत, मजबूत भारत की ओर। सुंदर सी चीज़ आपके साथ में शेयर कर रहे हैं जो कि है जूलॉजिकल पार्क, जो कि नागालैंड में स्थित है। नागालैंड के दीमापुर, जो कि कहते हैं कि नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर स्थित है। आप देखेंगे ठीक मेरे पीछे साइड में आपको दिखाई देगा नागालैंड जूलॉजिकल पार्क, और उसके सामने ही हमारा खड़ा है साथी जिसने 700 से अधिक दिन हमारा कंटिन्यू साथ दिया है। हालांकि चेंज होते गए साथी, एक दूसरा ये साथी है, लेकिन मेरा भाई वो भी है, वो भी मेरा भाई था और आप सब भी मेरे भाई हो। तो अभी हम जूलॉजिकल पार्क के बिल्कुल ठीक बाहर खड़े हैं, नागालैंड जूलॉजिकल पार्क जो कि स्थित है दीमापुर में, और बहुत ही शानदार ये स्थान है। जब भी आप नागालैंड आए, दीमापुर की आए, तो इस जूलॉजिकल पार्क में बिल्कुल एक विजिट दीजिए। आसपास का जो वातावरण बिल्कुल साफ सुथरा और सुंदर है। तो ऐसे ही हमारे साथ भारत की खूबसूरती का और वर्तमान में नागालैंड की खूबसूरती का आनंद उठाते रहिए और जोश से जुनून से भरे रहिए और देश की सेवा में कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। जैसे कि हम ऑल इंडिया साइकिल टूर कर रहे हैं, भी हम आगे ही बढ़ रहे हैं और हमें एक सुंदर सी चीज़ दिखाई दी, इस कारण से आप लोग के साथ में शेयर करने के लिए रुक गए। ये बिल्कुल एक छोटा सा कुछ दुकान जैसा बना हुआ है, मंदिर जैसा कुछ बना हुआ है, उसके आजू बाजू में बैठने का वो भी बांस का बना हुआ है और उसके साथ साथ में नीचे जो है वो भी बांस का, एक सुंदर सी आकृति यहाँ पे बनी हुई है बांस की, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। दोस्तों हम आए हैं धनसी पार्क के उस मंदिर में जिसके बारे में हमने सुना था दीमापुर में, और ये वही मंदिर शिव मंदिर है जिसको कहते हैं कि गुजरात के व्यवसायी ने बनाया हुआ है, शिव मंदिर है। तो हम आपको दिखाते हैं, ये हमारी साइकिल है और ये शिव मंदिर है। और पहुंच गए एक और मंदिर जहां के हम पुजारी हैं और हर दिन हमें ऐसे मंदिरों में पूजा करनी होती है और उद्देश्य भी हमारा यही है कि हम हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को देश से, संस्कृति से, इतिहास से और सबसे पहले हेल्थ से जोड़ सके, और उसी मुहिम में लगे हुए हैं निरंतर दिन रात 701 दिनों से। We have a very important person. I was seeing a phone before in a Facebook account, but today I've met him with a person here. His name is Mitul G. Okay, he's a cyclist. His aim is target is to travel all over our India. Okay, so finally he reached here in Dimapur. His aim, his motive, is to tell the people of the India about the nature, okay, about nature, about their health, and even he wants to create the history, okay. After this, he will take the time. He will tell you his journey, okay, the experiences he experienced during his journey. All right. माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नाउ यू विल गो बैक टू योर क्लास। स्टे थैंक यू टू योर सर।
तो जैसे ही हम इन बच्चों से विदा लेकर आगे बढ़े, हमने एक दुर्घटना देखी। पीड़ा होती है, दर्द होता है, लेकिन क्या करें, यही तो जीवन का एक हिस्सा है, इसी को तो जीवन कहते हैं। अरे रहन दीजिए, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं आ जाओ ना, क्या बोले आप इतने दूर से आए? नहीं नहीं पानी पानी नहीं चाहिए। सुनिए दीदी, हाँ अरे रहन दीजिए दीदी, हाँ तो इतना दूर से है ना, हाँ तो कुछ खा पी के जाओ। कुछ खा पी के जाओ। अच्छा नहीं, ये लेके रास्ते में। नहीं तो दीदी रहन दो, कोई बात नहीं। अरे नहीं रहन दो, इतना दूर से आया। अरे चलो चलो कोई बात नहीं भाई, अरे दीदी समझ के ले लो। ओके चलो, थैंक यू। दोस्तों शाम होते होते आखिरकार हमें एक सुंदर सा ठिकाना मिल गया। हालांकि हमारे लिए पूरा देश ही बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है। कोई भी ठिकाना मिले हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आज हम ऐसे ही पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र ICAR में।